हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि विरोध जो जनता के द्वारा किए जाते हैं, है ना, उनका समाधान करने की जरूरत। ठीक है, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है विरोध। ओके, सो इन मायास स्टोरी यू रीड अबाउट How conflict can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. तो माया की स्टोरी जो हमने पढ़ी, जिसमें एक लड़के को मार दिया गया था, गोली चला दी गई थी, स्कूल बॉय था, है ना, इसी लेसन में हमने पढ़ी है। तो माया की स्टोरी में ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि विरोध को क्या बना दिया गया, हिंसा बना दी गई, और हिंसा बनाने के बाद उनकी मृत्यु कर दी गई। वो इसीलिए हुआ क्योंकि एक ग्रुप ने डिसाइड कर लिया कि हम सही हैं और दूसरा ग्रुप क्या है, गलत है। ठीक है, तो उनके विरोध को गलत मानकर और उन पर फायरिंग कर दी गई। ठीक है, सो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, रीड द स्टोरी अगेन। डू यू थिंक द पुलिस शूटिंग ऑफ हेक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड? तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि क्या आप ऐसा मतलब सोच सकते हैं कि जो पुलिस ने शूट किया था हेक्टर को और भी स्टूडेंट्स को शूट किया था, तो क्या पुलिस शूट करने की बजाय शूट को अवॉइड कर सकती थी? वो गोली ना चलाती, समझाइश भी तो दी जा सकती थी, है ना। तो वही बताया जा रहा है कि कैसे। ठीक है, नाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑक्योर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर रिलीजियंस रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर और व्हेन सम अमंग them feel they are being discriminated against, people may use violent means to settle their differences. This leads to fear and tension among others living in an area. The government is responsible for helping to resolve conflicts. तो यहाँ conflict की बात की जा रही है, विरोध है ना, वो कब उत्पन्न होते हैं कि जब डिफरेंट कल्चर के लोग, रिलीजियन, डिफरेंट कल्चर, रिलीजियन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले जो होते हैं वो एक साथ नहीं आते हैं, है ना, एक साथ नहीं आते हैं और एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, मतलब वो उसका भेदभाव, रंग भेदभाव रखते हैं ना, विविधता वाला सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो वे भेदभाव रखते हैं, ठीक, अपने डिफरेंसेस को वहां पर देखते हैं कि हम उच्च जाति तुम नीची जाति, है ना। तो इससे क्या होता है, टेंशन होती है सबके बीच में। ठीक है, तो टेंशन की वजह से फिर विरोध उत्पन्न होते हैं। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे लॉ बनाने चाहिए, ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जिससे ये विरोध उत्पन्न ना हो और इनका क्या, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनका समाधान करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन अवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग देम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि चलो कुछ मतलब ऐसा पढ़ते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो विरोध है ना, वो कैसे होता है या क्या है विरोध। ठीक है, और उसे गवर्नमेंट कैसे रिजॉल्व करती है, उसका समाधान कैसे करती है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज दी हुई है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द बेसिक रूल और लॉ दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। दीज लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू दीज लॉ। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन लेटर क्लासेस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या समाधान किया गया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाया गया है, संविधान में कुछ ऐसे नियम है, ठीक है, जो गवर्नमेंट भी फॉलो करती है और जो प्रत्येक व्यक्ति, देश का प्रत्येक व्यक्ति, वो भी उसे फॉलो करता है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, डिफरेंसेस जो है, है ना, वो विरोध और जो डिफरेंसेस, जो अंतर होता है लोगों के बीच में, है ना, तो वो सारी चीजें जो है इन लॉ से ठीक हो जाती हैं। ये लॉज में क्या लिखा हुआ है, यही लिखा गया है कि सबको समानता का अधिकार दिया गया है, कोई ना ऊंचा ना कोई छोटा, ठीक है, ना कोई उच्च जाति ना कोई नीची जाति, तो संविधान में ये सब लॉ दिए हुए हैं। ठीक है, तो वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन लेटर क्लासेस। तो इन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो लॉ है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिलीजियस प्रोसेशंस जो होते हैं, है ना, और सेलिब्रेशंस जो हैं, कई बार वो विरोध का कारण बनते हैं। आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम के तो ज्यादा होते हैं, ठीक है, कि अगर एक का सेलिब्रेशन हो रहा है तो दूसरे में, मतलब दंगे फसाद, ये सारी चीजें होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, कि
जब फेस्टिवल्स या अदर कम्युनिटीज में जैसे फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ रिचुअल्स इस तरीके की चीजें होती है, तो वहां अक्सर, या नॉट ओनली फेस्टिवल्स है ना, कुछ रैली निकाली जाती है या इलेक्शन से रिलेटेड भी होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, तो वहां पर दंगे ज्यादा भड़कते। तो इस दंगों में फिर इनको खत्म करने का जिम्मा कौन लेती है? पुलिस लेती है ना। पुलिस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है, इसमें, इन सब दंगों को खत्म करने में। ठीक, कई बार तो लोग दंगों में पत्थर फेंकने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना, लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, तो पुलिस क्या करती है फिर? उस दंगे को रोकने की कोशिश करती है ना, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पुलिस। ठीक है, वहीं फिर दूसरा एक नदी की बात भी बताई जा रही है कि एक रिवर अगर हमारे स्टेट में है और अगर वो रिवर दूसरे स्टेट में जा रही है, ठीक है, तो उसका भी लोग मुद्दा बना लेते हैं, है ना, कि वो उस स्टेट में नहीं जानी चाहिए, उस नदी को मोड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कभी आपने एक मुद्दा सुना होगा अगर कावरी नदी के, कावरी वाटर का, है ना, जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, देखिए, कर्नाटका और तमिलनाडु की राज्य की सीमा के बीच में है। ठीक है, तो दोनों जो स्टेट के लोग हैं इसका पानी क्या करते हैं? इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इरिगेशन मीन्स सिंचाई के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, बेंगलोर के लोग भी इसे यूज करते हैं, और यहाँ का पानी जो है मैत्तूर डैम जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर स्टोर किया जाता है क्या करने के लिए? क्रॉप्स ग्रोन करने के लिए, फसलें उगाने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर एक विरोध उत्पन्न होता है, ठीक है, कि दोनों डैम में, अब इधर भी कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी डैम बना रखा है, ठीक है, तो एक ही रिवर का पानी जाता है वहां पर, है ना। तो कई बार ये होता है कि एक जगह के डैम में पानी पर्याप्त चला जाता है, दूसरी जगह के डैम में पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उससे भी दिक्कत होती है। ठीक है, उससे भी लोग क्या करते हैं? दंगे करते हैं, विरोध करते हैं उसका, कि हमको मिल गया तुमको, ये तुमको मिल गया हमको नहीं मिला। ठीक है, तो यूज तो दोनों स्टेट कर रहे हैं, फिर भी विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, क्वाइट फ्लो द कावरी डिस्पाइट बीइंग एट द सेंटर हीटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इट्स स्टेट्स फॉर द लास्ट 30 इयर्स, पिछले 30 साल से ये दोनों स्टेट के बीच में बह रही है। ठीक है, सो रेस्ट पार्ट वी विल रीड टुमारो।